अचानक अभी मामा की भी तबीयत खराब हो गई है, तो मामा को हॉस्पिटल लेकर आए हैं। अब कैसी तबीयत है? सही रख, क्योंकि मामा ने पापा की टेंशन ली है। आपको पापा की टेंशन हो रही है? बड़ी। क्या टेंशन हो रही है? उनका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, मैं हौसला कर लेता हूँ। तो अल्लाह पाक से दुआ करो कि अल्लाह पाक मेरे पापा मामा हमेशा ठीक रहें। आमीन आमीन। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे और मामा की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए हम लोगों ने अर्जेंट मामा को हॉस्पिटल लेके जाना था, क्योंकि मामा रात को ठीक थी, बस हल्का फुल्का बुखार था मामा को, तो उन्होंने पैनाडोल ली और वो सो गई। लेकिन उसके बाद 4 बजे के करीब मामा की तबीयत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हुई, तो मैंने मामा को बोला कि हॉस्पिटल चलते हैं, पर उन्होंने घर में ही कोई टैबलेट थी उनकी जो शुगर की थी वो उन्होंने खाई, और वो फिर उन्होंने काफ़ी कोशिश की सोने की, पर तबीयत उनकी सेट नहीं हो पा रही थी। तो 7 बजे जब ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी, तो मैंने मामा को बोला कि अब चलो आप हॉस्पिटल, हिम्मत करें हॉस्पिटल चलते हैं। तो इसलिए फिर अब हम जा रहे हैं मामा को हॉस्पिटल लेकर, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। देखते हैं हम डॉक्टर्स क्या कहते हैं। अचानक अभी मामा की भी तबीयत ख़राब हो गई है, तो मामा को हॉस्पिटल लेकर आए हैं, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मामा ने पापा की बहुत टेंशन ले ली है, जिसकी वजह से उनकी अचानक तबीयत ख़राब हुई है। उनको फूड पॉइजनिंग भी हो गई है और स्टमक पेन भी हो रही है, चक्कर बहुत आ रहे हैं, और शुगर भी अभी चेक किया वो भी हाई आ रही है। तो देखते हैं अभी डॉक्टर्स क्या कहते हैं। मामा को चेकअप करवाया है और ड्रिप लगवा रहे हैं, वो कह रहे हैं ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, बस इनको कहें कि रिलैक्स रहें। तो अभी देखते हैं क्या कैसी तबीयत मामा की। किधर आए हैं? मम्मी की तबीयत ख़राब है और आप यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। जूस पीना है आपको? बाबा मम्मी को क्या हुआ है? मम्मी की तबीयत ख़राब है और आप जूस पी रहे हो? चाचू से भी रहा नहीं गया, फौरन आ गए। ये कौन आया? ये कौन है? चाचू आए हैं? नखरे दिखा दे। अरे चाचू आपके दादा हैं ये। तो दादा ही लगोगे ना आप? हाँ ड्रिप लगे हैं मामा को। अब यहाँ पे पापा की शुगर चेक की जा रही है, क्योंकि पापा को भी हल्के चक्कर आ रहे थे, तो मैंने कहा आप भी अपनी शुगर चेक करवाओ। तो जब शुगर चेक हुई है तो पापा की भी शुगर हाई हुई है, क्योंकि पापा भी टेंशन ले रहे हैं, क्योंकि सब डॉक्टर्स यही बोल रहे हैं कि पापा मामा टेंशन ही ले रहे हैं। इन्हें समझाया भी है, पर अल्लाह पाक बस करम करे। डॉक्टर्स ने ड्रिप लगा दी है और बोला है कि बस अब ड्रिप से आराम आ जाएगा। पेन बहुत ज़्यादा थी मामा को, लेकिन उम्मीद है कि अब ठीक हो जाएगा। कैसे तबीयत है? सही है, तबीयत बेहतर है। अब जो स्टमक पेन था वो बहुत बेहतर है, पहले तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो आप सब दुआ करें ताकि मामा की तबीयत सही हो जाए, क्योंकि मामा ने पापा की टेंशन ली है, वरना मामा ठीक थी जब तक मैं आई थी। अब कैसी तबीयत है? सही रख, पेट में दर्द तो नहीं हो रहा? कब तक ठीक हो जाओगी? खाने कौन बनाएगा मेरे लिए? मैं आपके हाथ के खाने खाने आई हूँ, तो आप तो खुद हॉस्पिटल में आ गई हो।
अब जल्दी से ठीक हो जाओ। पहले से बहुत बेहतर है, जब आई थी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी, लेकिन अब स्टमक पेन बहुत बेहतर है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी, उम्मीद तो है। बस थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि कंटिन्यूसली एक हफ्ते से मेहमान आ रहे हैं पापा को देखने के लिए, तो मामा को रेस्ट ही नहीं मिल रहा। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, अब थोड़ी बेहतर, अब मैं आ गई हूँ तो मामा रेस्ट करें। बना लूँगी मैं खाने जैसे भी मुझे आते हैं बना लूँगी। बाकी आप सब दुआ करें मामा जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ, और पापा भी। ट्रिप वगैरह लग गई है, मामा को काफ़ी आराम है, तो अब हम घर चलते हैं, उसके बाद देखते हैं मामा की कंडीशन कैसी है। One hour later. आपको पापा की टेंशन हो रही है? बड़ी। क्या टेंशन हो रही है? वो कहते हैं पूरा एक्सीडेंट हुआ और फिर वो कहाँ पे भी जा सकते हैं, उनकी टेंशन है। अच्छा, और मामा की टेंशन? मामा को मैंने देखा नहीं, वो तो मैं हौसला कर लेता हूँ। पापा की जब चोट लगी थी तो मैं रोया नहीं था, बस आँखें लाल हो गई थी। तो मामा की भी टेंशन है, मामा की तबीयत खराब थी। तो हौसला कर लेते हो तो रोते क्यों नहीं हो? रो लिया करो थोड़ा सा। रोता हूँ तो इस बार में सुकून मिलता है, तो मैं नहीं चाहता कि सुकून मिले। क्यों? टेंशन होनी चाहिए ज़्यादा। टेंशन होनी चाहिए? टेंशन क्यों होनी चाहिए भला? इसका मैं क्या जवाब दूँ, इतना ही चलता। अच्छा, टेंशन, वैसे टेंशन नहीं होनी चाहिए, अगर दिल करा करे ना रोने का तो रो लिया करो, लड़के भी रोते हैं, रोने में कोई मसला नहीं है। आंसू से निकलते, बस आंखें लाल हो जाती हैं, जब आप जाती तभी मेरी आंखें लाल थी, आंसू से निकलते। अच्छा, लेकिन रोने का दिल क्या करे ना तो रो लिया करो, ऐसी बात नहीं होती कि लड़के रो नहीं सकते, लड़के भी रोते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, मुझे भी होता है, तो रो लिया करो फिर, कोई बात नहीं। अल्लाह पाक से दुआ करते हो कि पापा मामा ठीक हो जाए? करता हूँ। फिर आप देखते हैं अल्लाह कबूल करता है। अल्लाह पाक तो ज़रूर कबूल करते हैं सबकी दुआएं, तो अल्लाह पाक से दुआ करो कि अल्लाह पाक मेरे पापा मामा हमेशा ठीक रहें। आमीन आमीन। मैं रोज़ नमाज में दुआ करता हूँ। रोज़ नमाज में दुआ करते हो? अच्छा, और मेरे लिए? आपके लिए भी करता हूँ कि आप जल्दी आ जाओ यहाँ पे। अच्छा, मुझे याद करते हो? बड़ा याद करते हो। अच्छा, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मामा की तबीयत काफ़ी बेहतर है, जितनी वो पहले तकलीफ़ में थी, लेकिन अब काफ़ी कुछ ठीक हो गया है। उनके स्टमक में भी पेन था, उनको वॉमिटिंग भी हो रही थी, शुगर भी हाई थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है सब कुछ बैलेंस में है। तो पापा को साथ इसलिए ले गए थे क्योंकि पापा कह रहे थे मैं घर में परेशान होता रहूँगा, तो जब मामा की तबीयत ख़राब हुई तो पापा ने कहा मैंने भी साथ जाना, जबकि मैं पापा को कह रही थी आप घर में रुके, आप साथ जाएंगे तो आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन पापा ने कहा मैंने भी जाना है। तो पापा को लेके गए, तो जब वहाँ अचानक पापा की भी तबीयत ख़राब हुई, उनको चक्कर आने लगे, तो जब उनकी शुगर टेस्ट हुई तो उनकी शुगर भी हाई थी, पापा की भी शुगर हाई, मामा की भी शुगर हाई। तो वहाँ पे जो डॉक्टर, उन्होंने बोला कि आप लोग अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हैं, टाइम से मेडिसिन लें। तो बस वो जब से पापा का एक्सीडेंट हुआ है तब से मामा भी टेंशन में रहती हैं, पापा भी टेंशन में रहते हैं, लेकिन अब मैंने इन्हें कहा है कि टेंशन लेने से तो मज़ीद तबीयत ख़राब होगी, ठीक नहीं होगी, तो अभी तो दोनों दवा खा के सो रहे हैं। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि दुआ करें कि पापा के ज़ख़म जल्द अज़ जल्द भर जाएँ, क्योंकि चोटें इतनी गहरी हैं कि ज़ख़म भर नहीं रहे, और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि पापा को शुगर है इसलिए ज़ख़म भरने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। जो मतलब हम जैसे लोग होते हैं, हमें अगर कोई चोट लग जाए ना तो हमारे ज़ख्म जल्दी भर जाएंगे, मगर जो शुगर के पेशेंट होते हैं ना, जिनको शुगर है वो जानते होंगे ये बात कि जिनको शुगर होती है ना उनके ज़ख्म बहुत देर से भरते हैं। तो इसलिए अब जब तक पापा के ज़ख्म भर नहीं जाएंगे, वो ना ऑफिस जा सकते हैं और ना हमारा मार्ट है, ना वो मार्ट में बैठ सकते हैं, तो इसलिए पापा घर में रहते हैं और टेंशन लेते हैं। तो दुआ करें बस जल्द से जल्द पापा के ज़ख्म ठीक हो जाएं, ताकि पापा भी ठीक हो जाएं, और पापा ठीक होंगे तो फिर मामा तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। तो क्योंकि माँ बाप से बड़ी और कोई दौलत नहीं है, माँ बाप ठीक रहें तो ही बच्चे ठीक रहते हैं, घर ठीक रहता है, अगर माँ बाप बीमार हो जाएँ तो पूरा घर डिस्टर्ब हो। बस अब पापा मामा की तबीयत बहुत बेहतर है, आप बस दुआ कीजिए ताकि ये टेंशन जो ले रहे हैं ना, ये भी टेंशन लेना बंद करें और फटाफट से ठीक हो जाएं। अल्लाह पाक दोनों को सलामत रखें हमारे सरों पर इंशाल्लाह ताला।
अब मैं फटाफट बनाती हूँ पापा का खाना, क्योंकि पापा के ज़ख़म काफ़ी गहरे थे तो इसलिए डॉक्टर्स ने कहा कि पापा को कीमा खिलाएं, तो मैं पापा के लिए कीमा बनाती हूँ फटाफट, क्योंकि जब वो उठेंगे तो उनको भूख लगेगी। तो बनाते हैं पापा का कीमा, उसके बाद मिलते हैं। हाँ, मेरी बहन मेरे लिए अंडा कीमा बना रही है, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने कहा पहले ज़रा मुझे तो कुछ खिला दो, फिर मैं बना लेती हूँ कीमा अभी। तो इसलिए अब ज़ाइना बना रही है मज़ेदार सा अंडा कीमा, और साथ में पराठे बनाए हैं ज़ाइना, साथ में बनाए पराठे, फिर जल्दी जल्दी खा। क्या है मेरा खाना, खाने में है जलेबी पराठे जो कि ज़ाइना ने बहुत मज़े के बनाए, और साथ में है अंडा कीमा। तो फटाफट से खाते हैं खाना, क्योंकि उसके बाद मैंने बनाना है पापा के लिए खाना, पापा का कीमा बनाना है, क्योंकि जुहान उठ जाएगा, अभी वो सो रहा है, तो इससे पहले वो उठे, क्योंकि वो उठते साथ फिर तंग करता है, इसलिए इससे पहले वो उठे मैं फटाफट से पापा के लिए खाना भी तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल, प्याज मैंने इसमें डाल दी है, अब कर लेते हैं इसको थोड़ा सा फ्राई। इसमें डालते हैं एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, डाल देंगे इसमें सारा कीमा, कीमे को तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, क्योंकि इसके बाद हम मसाले और टमाटर डालेंगे, पहले इसको फिर फ्राई करेंगे अच्छे से, क्योंकि जितना फ्राई करो उतना मज़े का लगता है कीमा। कीमे का कलर चेंज हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, करेंगे इसको अच्छे से मिक्स, और फिर डालेंगे मसाले। काफ़ी दिनों से पापा जो कीमा खा रहे हैं वो कम मिर्चों का बनाया जा रहा है, क्योंकि परहेजी कीमा खिलाया जा रहा है पापा को, पर काफ़ी दिनों से वही सेम कीमा खा के पापा का दिल भर गया था, तो इसलिए इस बार उन्होंने बोला कि कुछ चेंज बनाना, तो मैं थोड़ी चेंज रेसिपी बना रही हूँ, थोड़ी सी मिर्चें कर रही हूँ, क्योंकि वो परहेजी खाना खा खा के ना उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो इतने दिनों में थोड़ा सा आज लाइट सा थोड़ा सा चेंज कीमा मिलेगा, तो पापा से खाया भी जाएगा आराम से। मसाले हम डाल देंगे नमक, या आप जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी, हल्दी ज़्यादा नहीं डालते वरना इससे टेस्ट ख़राब भी हो सकता है, थोड़ी सी लाल मिर्च, बिल्कुल थोड़ी डालनी है, ये ज़्यादा नहीं डालनी है, बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा पीसा हरा धनिया। अब करेंगे इसको अच्छे से मिक्स, पानी अभी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कीमा अपना पानी भी छोड़ता है, और फिर टमाटर भी हैं, टमाटर भी पानी छोड़ते हैं, बस अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, इसको भूनते हैं, जैसे ही मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक देंगे, और जैसा कि मैंने कहा था कि जुहान के उठने से पहले बन जाना चाहिए, और अभी उठ गया और मूड इसका बिल्कुल ठीक नहीं है, अपने किसी खाना के पास नहीं जा रहा अभी है फिलहाल, तो बस कीमा तैयार है। इसमें मैंने डाला है आधा कप पानी, आधे कप से भी कम पानी डाल के आप इसको ढक देंगे ना, तो जब मैंने इसको ढका उसके बाद अब मैंने तकरीबन 5 मिनट बाद ही ढक्कन उठाया, तो जो टमाटर थे वो भी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं, कीमा भी बिल्कुल अच्छे से गल चुका है, अब वो इसमें सिर्फ हरा धनिया छिड़कूँगी, उसके बाद कीमा तैयार है।
जहान बहुत रो रहा था, उसकी मामा उसे लेके गई हैं, तो मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है। तो ये कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है, कीमा हमारा रेडी हो गया। तो अब मैं जुहान का मूड ठीक करने की कोशिश करती हूँ, साथ में ये ब्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और ख़ास तौर पे पापा और मामा दोनों के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग दिल से दुआ करते हैं और अल्लाह पाक सुनता भी है। तो दुआ करें कि पापा मामा जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं, अल्लाह उनका साया हम पे सलामत रखे और सबके वालिदैन का साया अपने बच्चों पे सलामत रखे। आमीन। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।